पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से लगातार दक्षिण भारतीय फिल्मों को हिंदी डब्ड वर्जन में रिलीज किया जा रहा है वो भारतीय दर्शकों खास तौर से हिंदी बेल्ट के दर्शकों के लिए जैकपॉट से कम नहीं है अब उन्हें भी दक्षिण भारतीय इंडस्ट्री की वो फिल्में देखने को मिल जाती हैं जो अगर हिंदी डब में रिलीज ना होती तो उन फिल्मों का मजा वो कभी नहीं ले पाते हम जब हिंदी फिल्म देखते हैं तो एग्जैक्ट डायलॉग से एक्टर की लिपसिंक ना मिलने के बाद भी हमें फिल्म को देखने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि उस ऑरिजिनल भाषा के डायलॉग्स को हिंदी में इतनी सफाई से शॉर्ट्स के साथ मैच किया जाता है कि फील ही नहीं होता कि ये फिल्म दरअसल दूसरे लैंग्वेज में बनी है इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है वो है डबिंग आर्टिस्ट का एक डबिंग आर्टिस्ट किसी एक्टर से कम नहीं होता डबिंग करते हुए एक्टर किस मनोदशा में किस सिचुएशन में वो डायलॉग बोल रहा है उन सब का ध्यान रखते हुए एक डबिंग आर्टिस्ट को डबिंग करनी होती है बाहुबली फिल्म जब हिंदी में रिलीज हुई तो प्रभास के दमदार डायलॉग्स का एक बड़ा क्रेडिट उनके डबिंग आर्टिस्ट शरद केलकर को भी जाता है अब हाल ही में आई फिल्म पुष्पा ने भी हिंदी बेल्ट में जबरदस्त कमाई की है तो ऑफकोर्स इसमें भी फिल्म के डबिंग आर्टिस्ट का बड़ा योगदान है तो आइए हम जानते हैं कि इस फिल्म के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को हिंदी वर्जन में किस किस ने अपनी आवाज दी है वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है लीड एक्टर अल्लू अर्जुन के बोले गए हिंदी डायलॉग्स को हिंदी सिनेमा के एक्टर डायरेक्टर श्रेयस तलपड़े ने अपनी आवाज दी है एंड नो डाउट कि उनकी इंटेंस आवाज अल्लू अर्जुन पर काफी सूट भी कर रही है जिसके कारण उनके बोले गए ओरिजिनल डायलॉग्स की कमी हमें हिंदी में महसूस नहीं हुई फिल्म जब अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी में रिलीज होने वाली थी तो तलपड़े ने एक वीडियो में बताया था कि बहुत साल पहले जब उनके पास काम नहीं था तो उनके किसी दोस्त ने सजेस्ट किया कि वो वो डबिंग डबिंग का काम कर सकते हैं उसमें कुछ पैसे भी आते रहेंगे लेकिन जब वो डबिंग के लिए ऑडिशन देने गए तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और अब पुष्पा की कामयाबी में उनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है राज करने के लिए आया मैं इसके बाद रश्मिका मंदना की बात करें तो उन्हें अगर हम हिंदी में बोलते देख पाए तो उसके पीछे थी डबिंग आर्टिस्ट स्मिता रोजमेयर उनकी आवाज ने हिंदी डब्ड वर्जन में भी रश्मिका मंदना के किरदार को उतना ही प्रभावशाली बनाया जितना ओरिजिनल भाषा में रहा होगा स्मिता रोजमेयर एक बहुत सफल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जिन्होंने ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल टी कैनन गूगल पे पॉन्सक्रीन जैसे फेमस एड्स में अपनी आवाज दी है काफी समय पहले फेंटा का एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें रानी मुखर्जी थी उस एड में रानी के साथ जो लड़की थी वो यही डबिंग आर्टिस्ट स्मिता रोजमेयर थी स्मिता एक अच्छी सिंगर होने के साथ साथ वो फिल्म एक्ट्रेस कैटरीना कैफ से लेकर सनी लियोनी सबके लिए अपनी आवाज दे चुकी है और फिल्म पुष्पा में भी उनका यह बेहतरीन टैलेंट देखने को मिला फिल्म में पुष्पा के सबसे करीबी मित्र का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था जिसने शुरू में अल्लू अर्जुन की काबिलियत को परख लिया था और उसके साथ हो लिया था यह कैरेक्टर था मंडेलू का हिंदी वर्जन में इस कैरेक्टर को आवाज दिया गया था हिंदी सिनेमा के एक्टर साहिल वैद द्वारा जिन्होंने बिट्टू बॉस हम्टी शर्मा की दुल्हनिया बद्रीनाथ की दुल्हनिया बैंक चोर दिल बेचारा कुली नंबर वन और हाल ही में रिलीज फिल्म शेरशाह में भी काम किया था साहिल वैद भी डबिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने हॉलीवुड से लेकर साउथ की अनेकों फिल्मों के लिए हिंदी डबिंग की है कुछ प्रमुख हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो उन्होंने एंट में पॉल रुड एवेंजर्स एंड गेम में पॉल रुड द हैंग के तीनों पार्ट में ब्रेडली कूपर फैंटेस्टिक फोर में टीबी केबल डेड में टीजे मिलर के लिए हिंदी डबिंग की है वही बहुत सी साउथ फिल्में जैसे जनता गैरेज में उन्नी मुकंदन के लिए भैरवा में हरीश उत्मन के लिए एजेंट साई श्रीनिवास में नवीन पॉली के लिए सियरा नर्सिंग रेड्डी में विजय सेतुपति के लिए हिंदी में आवाज दे चुके हैं फिल्म के लास्ट के कुछ सीन्स में एंट्री हुई थी फिल्म के असली विलन की शिखावत की जिसे निभाया था फहद फासिल ने अपने छोटे से रोल में ही उन्होंने जबरदस्त इंपैक्ट डाला था इस बेहतरीन किरदार के लिए हिंदी डबिंग की थी फेमस एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट राजेश खट्टर ने राजेश खट्टर डबिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है साउथ फिल्मों से लेकर जाने कितने ही हॉलीवुड फिल्मों में वो हिंदी डबिंग का काम कर चुके हैं हॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने डबिंग की शुरुआत टर्मिनेटर टू से की थी जिसके बाद होम एलोन बॉय द मम्मी ओशन मैन मैन इन ब्लैक एक्स ऑफ कैरिबियन जैसे तमाम हिंदी डब्ड हॉलीवुड फिल्मों में अपनी आवाज दी है इनके वॉइस ओवर की गई फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है पुष्पा फिल्म के हिंदी वर्जन में भैरो सिंह शेखावत का कैरेक्टर एक हरियाणवी का दिखाया गया है इसलिए राजेश खट्टर ने उनकी आवाज में हल्का सा हरियाणवी एक्सेंट रखने की कोशिश की है जो उस कैरेक्टर को और रियल बनाता है राजेश खट्टर एक्टर शाहिद कपूर के स्टेप फादर भी हैं। इसके बाद जिस कैरेक्टर ने काफी सरप्राइज किया था, उसका नाम था मंगलम श्रीनू। सुनील द्वारा निभाया गया यह कैरेक्टर दर्शकों को काफी पसंद आया था उनके बोले गए संवादों को हिंदी में डब किया था एक्टर और वेरी फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट उदय सबनिस ने उदय सबनिस ने एक्टर के तौर पर सरकार लगे रहो मुन्ना भाई फरारी की सवारी पोस्टर बॉयस और बैनजो जैसी कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए हैं इनके अलावा उन्होंने हॉलीवुड की कई फेमस फिल्में जैसे कि हैरी पॉटर में वर्न डर्सली के लिए बैटमैन बिगिन में मॉगन फ्रीमैन के लिए द डार्क नाइट में अगेन मॉगन फ्रीमन के लिए मिशन इंपॉसिबल थ्री में विंग रैम्स के लिए इसके अलावा आयरन मैन हेल बॉय ट्रॉय थोर जैसी तमाम फिल्मों में हिंदी डबिंग कर चुके हैं साउथ फिल्मों की बात करें तो वहां के फेमस एक्टर राव रमेश के लिए मैक्सिमम टाइम हिंदी डबिंग उदय सबनिस ही करते हैं वो चाहे सन ऑफ सत्यमूर्ति फिल्म हो या सराय नायडू फिल्म हो पुष्पा फिल्म में सुनील जो कि नॉर्मली एक कॉमेडियन के तौर पर जाने जाते हैं उनका जबरदस्त काम देखने को मिला है और उनके बेहतरीन एक्टिंग को उतने ही बेहतरीन तरीके से हिंदी वर्जन में सुनाने का काम उदय सबनिस ने किया है नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है इसके बाद फिल्म का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था उसे निभाया था धनंजय ने और कैरेक्टर का नाम था जॉली रेड्डी फिल्म में इस किरदार की अपनी एक अहमियत थी इस किरदार के लिए हिंदी डबिंग का काम किया था अगेन एक और फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट मनोज पांडे ने इनका वॉइस ओवर आर्टिस्ट का करियर बहुत लंबा है एनिमेटेड फिल्मों से लेकर हॉलीवुड की हिंदी डबिंग और साउथ फिल्मों की हिंदी डबिंग में इनके नाम फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है हॉलीवुड में उनके द्वारा डब की गई प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उनमें द लॉर्ड ऑफ रिंग्स द ट्रांसपोर्टर डेथ रेस द एक्सपेंडेबल्स स्काईफॉल थोर स्पाइडरमैन डेडपूल ट्रांसफॉर्मर और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी कई फिल्में हैं वहीं साउथ फिल्मों की बात करें तो सिंगम कंचना जुलाई पावर येवेडू सराय नायडू थलाईवी और स्पाइडर जैसी अनगिनत फिल्मों में अपनी हिंदी आवाज दे चुके हैं बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव के लिए भी उन्होंने ही डबिंग की थी रात में मेरे पास आना इसके बाद हम बात करेंगे पुष्पा फिल्म के एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कोंडा रेड्डी की जिसे निभाया था एक्टर अजय शाह ने उनके कैरेक्टर को हिंदी में आवाज दिया है राजेश जॉली ने फिल्म में कोंडा रेड्डी पुष्पा को धोखा देकर उसे ही मारने का प्लान बनाता है उनके बोले गए हिंदी संवादों को राजेश जॉली ने बड़ी खूबसूरती से ट्रांसलेट कर पेश किया है हॉलीवुड में वो एवेंजर्स मिशन इम्पॉसिबल कैप्टन अमेरिका द ममी और स्पाइडर जैसी बहुत सी फिल्मों में हिंदी में आवाज़ दे चुके हैं वहीं साउथ फिल्मों की बात करें तो साहू सुर पुत्रु असुरन और शिवाजी जैसी फिल्मों में उनकी आवाज़ हिंदी डब में सुनी जा सकती है 1989 के सीरियल फ्लॉप शो में राजेश जॉली एक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं इसके अलावा उन्होंने ताकत और वीर जारा जैसी फिल्मों में भी काम किया है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पुष्पा फिल्म की एकमात्र फीमेल विलन दक्षिणी जिसे निभाया था अनुसुईया भारद्वाज ने इस कैरेक्टर को हिंदी वर्जन में आवाज दी है सबीना मौसम ने फिल्म में यह कैरेक्टर एक समय पर काफी वायलेंट हो जाती है और इस कैरेक्टर के बोलने का अंदाज भी काफी अलग था जिसे सबीना मौसम ने बखूबी हिंदी में बोला है सबीना ने छोटा भीम जैसे एनिमेटेड सीरियल में भी डबिंग की है इनके अलावा वो साउथ की कई फिल्में जैसे अब हमसे न टकराना भाई द लायन लोक परलोक गोली मार रगड़ा और अरुंधति जैसी तमाम फिल्मों में फीमेल एक्ट्रेस के लिए हिंदी डबिंग कर चुकी है बाहुबली फिल्म में शिवगामी वाले कैरेक्टर के लिए इन्होंने ही हिंदी डबिंग की थी तो दोस्तों ये थे वो पर्दे के पीछे के कलाकार जिनके प्रयास के कारण पुष्पा फिल्म का बेहतरीन हिंदी वर्जन हमें देखने को मिला यही वो आर्टिस्ट हैं जो साउथ और बाकी कई फिल्मों को हिंदी में डब करके हमें उन्हें देखने का मौका देते हैं आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा दैट्स ऑल फॉर टूडे फ्रेंड्स प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ लाइक द वीडियो लाइक मी ऑन फेसबुक द डिस्क्रिप्शन बी सेफ हैव फन मिलते हैं अगली बार फिर किसी ने एपिसोड के साथ तब तक के लिए